झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 13 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 14 नवंबर तक रखी गई है और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 नवंबर तक रखी गई है। इस बात की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता में दिया। 30 नवंबर के प्रथम चरण में होने वाले चुनाव 6 जिले में होगा। यह हमारी पहुंच पूरे सोशल मीडिया में नहीं हो सकती है। इसमें हम लोग यदि कोई शिकायत प्राप्त होता है, देन वी एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कल हम लोगों को जामताड़ा जिला से संबंधित एक शिकायत किसी ने व्हाट्सएप करके फॉरवर्ड किया कि ये उल्लंघन हो रहा है। हम लोग नहीं जानते हैं कि उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, परंतु उसकी जांच के लिए हम लोगों ने जामताड़ा के डीओ को वो शिकायत फॉरवर्ड कर दिया है और वहाँ से जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग में हम लोगों का बहुत स्पष्ट स्टैंड है कि हम लोग सुओ मोटो कोई एक्शन नहीं लेंगे। यदि कोई शिकायत आता है, चाहे वो ऑफलाइन शिकायत आए 1950 पे हमारे आए या सी विजिल के माध्यम से आए, हम लोग उन शिकायतों पे जरूर कार्रवाई करेंगे। बिकॉज हम लोग पूरे के पूरे सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग करना पॉसिबल नहीं है और हम लोग ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं जिससे कि कल को हम लोगों पे आरोप लगाए कि हम लोग बायस होकर कार्य कर रहे हैं। यदि कंप्लेंट, जो भी स्पेसिफिक कंप्लेंट आएगा उस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। दूसरा, हम लोग सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग इस तरह से करते हैं कि सारे कैंडिडेट्स, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का सोशल मीडिया अकाउंट को हम लोग एक्सपेंडिचर के टर्म्स में मॉनिटर करते हैं कि वो उन्होंने जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें तारतम्य है अथवा नहीं।